समाजवादी पार्टी के बीच का घमासान अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी कि 1 जनवरी को लखनऊ में हुआ अधिवेशन अवैध और असंवैधानिक है। मुलायम ने कहा कि अधिवेशन में लिए गए फैसले मान्य नहीं होंगे। सोमवार को मुलायम, शिवपाल और अमर सिंह इस बारे में बैठक करने के बाद चुनाव आयोग में अपना पक्ष रख सकते हैं। अमर सिंह लंदन से दिल्ली पहुंच चुके हैं। सर, साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान मचा है, जो जिस तरह से आपने उसको असंवैधानिक किया है, क्या कहना है? घमासान है समाजवादी पार्टी पर, हमारे तस्कर। सर, आपने अधिवेशन कैंसिल कर दिया, कोई वजह? क्या दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे? सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव गुट भी सोमवार को ही चुनाव आयोग में राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी और पार्टी में हुए बदलावों के बारे में बताएगा। इसके साथ ही अखिलेश गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा पेश करेगा। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर न अपना दावा करने के चलते आशंका जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले साइकिल चिन्ह पर रोक लग सकती है। हालांकि ऑब्जर्वर्स का मानना है कि अखिलेश वाले धड़े को चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए चुनाव आयोग के पास जाना होगा, क्योंकि आयोग के रिकॉर्ड में मुलायम सिंह यादव और अन्य पदाधिकारियों का नाम होगा। बता दें कि चुनाव चिन्ह पर अगर अखिलेश दावा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आयोग को दूसरे पक्ष को नोटिस देना होगा और इस पर फैसला करने से पहले दोनों पक्षों को सुनना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में यदि चुनाव आयोग किसी एक पक्ष को चिन्ह देने के फैसले पर नहीं पहुंच पाता है तो वो चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दोनों पक्षों को नया चुनाव चिन्ह दे सकता है, ताकि चुनावों के दौरान किसी पक्ष को अतिरिक्त लाभ न मिले। NMF न्यूज की रिपोर्ट।